जगह पर हम कथाएं कर रहे हैं केवल धर्मांतरण रोकने के लिए ही, और एक नई विचारधारा हमने प्रारंभ की है। बागेश्वर धाम भारत की पहली ऐसी व्यासपीठ है जहां पर हर एक दो महीने के अंदर 3 दिन की कथा वनवासी क्षेत्रों में, जो सॉफ्ट कॉर्नर वाले लोग हैं, बहुत ही भोले भाले लोग हैं, उनको जो मिशनरी वाले लोग अटैक करके उनको लालच दे करके धर्मांतरण करवा रहे हैं, उनके बीच जाकर हमने वनवास में जाकर कथा करने का संकल्प लिया। भगवान की कृपा से सक्सेसफुल मिशन है, जहाँ कथा की वहाँ 15 परिवार वापस लाए, दूसरी जगह कथा की वहाँ से 160 परिवार दमोह मध्य प्रदेश के, पूरे देश में चर्चा हुई थी, 160 परिवार उनको पुनः हिंदू धर्म में वापस करवाए। हम सब हिंदुओं की एकता ना होने के कारण उसका यह लाभ फायदा उठाते हैं। अभी हिंदू जागना प्रारंभ हुए, जिसका परिणाम यह है कि चाहे वो मूवी वाले हों, चाहे वो नेता हों, अथवा वह साधु संत हों, अथवा कोई भी हो, जो जो धर्म विरोधी कार्य कर रहे, सनातन विरोधी, अब उनको मुंह की खानी पड़ रही है, और धीरे धीरे हिंदुत्व जगेगा। हमें भरोसा है हिंदू जागा है, जाग रहा और जगेगा, और ये मिलिच्छों का राज भगेगा। सनातनीय व्यक्तियों की कभी भी विचारधारा कभी भी हिंसात्मक नहीं रही। हम लोग सब सनातनी पूर्णतया अहिंसावादी हैं, परंतु हर बार सनातनीय हिंदुओं के देवी देवताओं को ही टारगेट इसलिए बनाया जाता क्योंकि हम लोग बड़े भोले भाले लोग हैं, हम लोग अहिंसा पर भरोसा रखने वाले लोग हैं। हम उन मूवी वालों से ये कहेंगे, आपके माध्यम से उनके बाप में दम हो तो किसी दूसरे धर्म के भगवान के खिलाफ बना दें, भारत में रहना मुश्किल हो जाए। नागपुर में पहले उस पूरे विषय को हम क्लियर कर देते हैं और इसको जरूर उन तक पहुंचा दीजिए। हमारे पास तो उनकी चुनौती बाद में आई है, हमारी बात आपसे प्रार्थना पूरी मीडिया से। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथा कथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर, बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। दूसरी बात, हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए। तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं, आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता। अब यहाँ पर पहले 9 दिन की कथा थी, 25 तारीख तक, यहाँ भी बता देते हैं 23 तारीख तक है, अब हम 23 को चले जाएं, फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी इसीलिए पंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गए ठटरी के भरे। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, हम दंगा या हमारी भाषा बहुत सीमित तो सुरक्षित है, पर हम शस्त्र शास्त्र दोनों जानते, क्योंकि हम सनातनी हैं और हमारे सनातन में शस्त्र शास्त्र दोनों की मर्यादा ठीक से आती है और हमें बालाजी ने चुना ही इसीलिए, ना दावा ना बुलावा। तीसरी बात, हम अंधविश्वास कब फैला रहे, जब दक्षिणा ही नहीं लेते तो अंधविश्वास कैसा, जब हम कोई रुपया नहीं लेते, शुल्क नहीं लेते, निःशुल्क में जो हमारे पास कृपा है उसका प्रचार गुरु कृपा से कर रहे हैं, हमें हनुमान जी ने चुना है। हम ये तो कहते नहीं कि हम चमत्कारी आदमी हैं, ये भी नहीं कहते कि हम ईश्वर हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हम कोई समस्या दूर कर सकते हैं, पर हम ये कहते हैं कि हमारा इष्ट दूर कर सकता है। जैसे माता पिता अपने पुत्र की तबीयत खराब होने पर प्रार्थना करता है, तो हम गुरु के नाते पूरे विश्व की प्रार्थना करते हैं। तो जोरदार, भारतीय क्रिकेटर क्या नाम बताया, विराट कोहली, हमको न्यूज बताए थे इतने वृंदावन गए और हमें बहुत गदगदता है कि कोई इतना विनम्र सा पत्नी सहित गए, बाबा नीम करोली जी और वृंदावन के पूज्य दिव्य संत बड़े हम परिचित हैं। हम अभी गए तो नहीं है, हमारे गुरु जगत गुरु जी हैं, लेकिन हम उनको मानते बहुत हैं। पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी के चरणों में गए, जो ब्रज की विभूति है और उनकी सौम्यता देखकर गदगद है। उसके बाद उन्होंने 2 शतक लगाए, यही साधु कृपा का परिणाम है कि अगर साधु के पास जाओगे तो जिंदगी में 7 ही शतक लगेगा भैया।
विश्वास और अंधविश्वास में एक बारीकी फर्क है। बिना देखे किसी पर विश्वास करना अंधविश्वास है और जांच परख करके वैदिक परंपरा अनुसार अपने इष्ट पर भरोसा करना विश्वास है। ठीक है, तो अगर कोई आपको कहे कि हम ईश्वर हैं इंसान, तो ये अंधविश्वास है आपका मानना। लेकिन अगर कोई आपकी बाह पकड़कर ईश्वर से जोड़ रहा